देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आज गाजियाबाद स्थित सिहानी गेट तथा चोपला मंदिर बाजारों में कल से शुरू होने वाली नवरात्रों की धूमधाम से तैयारियां देखी गई। दुकानदार पूजा घर विक्रेता सुनील अग्रवाल का कहना है कि जिस प्रकार की तैयारियां बाजार में हैं, उस प्रकार का ग्राहकों का आवागमन नहीं दिख रहा। वहीं उन्हें अपने काम से अभी काफी उम्मीदें हैं तथा पूजा घर की सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। फल विक्रेता नईम का कहना है कि व्रत में लोग सेब और केले का सेवन अत्यधिक करते हैं। नवरात्रों का सीजन आते ही फलों के मूल्यों में 20% वृद्धि हुई है। वहीं गाजियाबाद के फिजिशियन डॉक्टर आर के पौदार का कहना है कि 9 दिन चलने वाले इस पावन पर्व में माँ दुर्गा की पूजा होती है। हिंदू रीति रिवाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान मिलता है तथा लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कोई भी एक प्रकार का फल ना खाकर मिक्स फल खाने चाहिए। किसी फल में विटामिन, किसी फल में शुगर, हर प्रकार का फल खाने से सेहत अच्छी रखी जा सकती है। सर, कल से नवरात्रे चालू, तो लोगों को आपकी क्या सलाह होगी कि वे कौन से फल का उपयोग कर सकते हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है कि कल से नवरात्रा का धार्मिक पर्व शुरू होने जा रहा है और ये पूरे 9 दिन चलता है और माँ दुर्गा की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। ये केवल हिंदू धर्म और हिंदुस्तान में ही है, जहाँ देवी की पूजा होती है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान मिलता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक खान पान का सवाल है, व्रत रखे जाते हैं तो इसमें व्रत में तो अन्न नहीं खाना चाहिए। और जहाँ तक फलों का सवाल है, फल तो सारे ही लाभदायक हैं, विशेष करके जो कॉमनली अवेलेबल फ्रूट्स हैं, सारे फल जो एक कॉमन आदमी की अप्रोच में है। बहुत ज़्यादा महंगे फल भी हर आदमी की पॉकेट से, जेब में बर्दाश्त नहीं हो पाती है, इसलिए जो सस्ते फल जो अवेलेबल है वो खाएं, लेकिन फल मिक्स में खाएं, कोई एक फल का सेवन ना करें। भाई जैसे सेब खाएं, केला भी खाएं, अनार भी खाएं, पपीता भी खाएं, सारे फल खाएं, मिक्स फल खाएं। तो किसी फल में कोई विटामिन ज़्यादा होता है, किसी फल में कोई शुगर ज़्यादा होती है, तो उन सबका लाभ जो है ना, लैक्टोज शुगर होती है तो उसका लाभ मिलता है और फलों में विटामिन का लाभ मिलता है, तो ये सब जो है, सारे फल सब मिला के खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नहीं है सर। क्या नाम है फर्म का अपना? MN। सर जैसे कल जिस तरह से नवरात्रे शुरुआत हो रही है, जी जी जी, तो फलों के रेट में किस प्रकार का कोई बदलाव है? सर फलों के रेट में 20% की वृद्धि हो जाती है, जैसे कि ये नवरात्रों का त्यौहार ज़्यादा सभी लोग रखते हैं नवरात्र ये वाले, इसकी 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 वजह से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। इसके फलों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। बस जैसे आपका केला है, सेब है, ये मेन मेन फल हैं जो खाने के व्रत में काम आ जाते हैं, इन पर सब पे बढ़ोतरी हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।